और अब जरा बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। अनिल देशमुख मामले पर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की किरकिरी हुई है। इत्तेहाद में इस मामले में एहतसाब का अमल जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की जायजा मीटिंग कल मुनाकिद की गई। कांग्रेस वुजरा का इस जिम्न मानना है कि इस पूरे मामले से महाविकास आघाड़ी हुकूमत की छवि खराब हुई है, मुतासिर हुई है। कांग्रेस का यह भी मानना है कि एनसीपी ने इस मसले से जिस तरह निपटने की कोशिश की उससे भी हुकूमत की बदनामी हुई है। और मुंबई का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अमित राय। अमित, एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस ने एक बार फिर से निशाना साधा है अनिल देशमुख मामले पर, तफसीला चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सारे मुद्दों को सामने रखा गया। ये कहा गया कि अनिल देशमुख प्रकरण से महाविकास आघाड़ी सरकार की छवि खराब हुई है और इसके लिए एनसीपी जिम्मेदार है। सारे प्रकरण से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल होने के कारण इसका खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस मंत्रियों ने यह भी कहा कि बाद में जिस तरह से मंत्री नवाब मलिक और जितेंद्र अवार्ड ने विपक्ष के आरोपों पर आक्रामक हुए, अगर यही आक्रामकता पहले दिखाई होती सरकार की जो है इतनी बदनामी नहीं हुई होती। और इस मामले में तीनों पार्टियों की समन्वय समिति की बैठक बुलाकर स्थिति साफ करनी चाहिए थी, लेकिन ये भी पहले स्थिति साफ नहीं हो पाई। दूसरा ये मुद्दा था कि संजय राउत को लेकर नाराजगी जाहिर हुई। बैठक में कांग्रेस मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा कि यूपीए के चेयरपर्सन को लेकर लगातार की जा रही बयानबाजी पर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। उनका ये कहना है कि संजय राउत जो है जरूरत से ज्यादा जो है चीजों को छूट देते हैं और जो इस शिवसेना के लिए जो है ठीक नहीं है। तो कहने की शिवसेना को मजबूत संदेश जो है देने की कवायद की गई है। एक और मुद्दा उठाया गया कि विकास निधि में भेदभाव की बात ये कही गई है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में विकास निधि का समान रूप से बंटवारा नहीं हो रहा है और कांग्रेस के मंत्रियों को जो जितना मिलना चाहिए विकास निधि उतना नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा मैं बताऊँ ये सारी रिपोर्ट्स जो है मीटिंग की जो है महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं एच के पाटिल दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को सौंपेंगे और आला कमान के निर्देश पर इन मुद्दों पर कांग्रेस अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। सियासत में क्या कुछ होता है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर आसाम से।